ये है वीवो का वीवो X90 Pro 5G स्मार्टफोन। इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, सब कुछ डिटेल में इस फोन के बारे में बताता हूँ, क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, कैसा ये फोन परफॉर्म करता है, कैमरा जो इसका बिल्कुल तगड़ा है वो कैसा परफॉर्म करता है, क्या सारी चीजें इसके अंदर देखने मिल जाती है। एंड गाइस ये जो फोन है ना ये प्रोवाइड कराया था मैं यूसी एंसर्स मोबाइल स्टोर ने, यहाँ पे जाके आप बहुत ही बेस्ट प्राइस पे फोन खरीद सकते हो। स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, विजिट कर सकते हो, फाइनेंस सर्विस भी अवेलेबल है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपको फोन मिल जाएगा, मस्त इनकी सर्विस है। तो फोन को अभी फिलहाल बॉक्स कर लेते हैं। सो गाइस ये रहा Vivo X90 Pro का बॉक्स, जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही ऊपर हमें देखने मिल जाता है फोन, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं जिसके लिए हम फोन की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये तो कमाल चीज है, अभी आगे बात करेंगे। बॉक्स के अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं, अभी फिलहाल सब कुछ आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है एक टाइप सी डेटा केबल, एंड ये आपको देखने मिल जाता है 120 वाट का इतना बड़ा सा और भारी सा बिल्कुल एडेप्टर। और एक और केस देखने मिल जाता है, इसको भी अभी ओपन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है ये ट्रांसपेरेंट केस, एंड यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिलहाल सारी चीजों को अभी साइड में रख लेते हैं, फोन को देखते हैं फाइनली लुक कैसा लगता है। सो गाइज ये है फोन, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एंड गाइज लुक एट द डिजाइन, पीछे से तो काफी कमाल लग रहा है, एंड यहाँ से फ्रंट से ऐसा कुछ लगता है, पीछे से ना पूरा ही आपको लेदर वाला टेक्सचर वाला डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। एंड साइड से आप देख सकते हो पूरा ही मेटल का आपको फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है, चारों तरफ से मेटल यूज हुआ है। एंड यहाँ पे एक स्ट्रिप यूज हुई है जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सट्रीम इमेजिनेशन, ये भी पूरा आपको मेटल का देखने मिल जाता है। एंड कैमरा बम्प यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा आपको देखने मिल जाता है। वैसे यहाँ पे आपको तीन कैमरास देखने मिल जाते हैं, एंड इसके अंदर 1 इंच का सेंसर आपको देखने मिल जाता है जो कि बड़े बड़े DSLRs के लिए बनाया जाता है। एंड यहाँ पे ना आपको जाइस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि बहुत बड़े कैमरास को बनाते हैं। एंड यहाँ पे आपको पीछे फ्लैश देखने मिल जाती है जो कि डुअल फ्लैश है, बहुत बड़ी फ्लैश देखने मिल जाती है। एंड ये जो है ना पूरा ही फ्लैगशिप वाला फील देता है फोन, और बहुत ही प्रीमियम हाथ में लगता है, इन हैंड वगैरह काफी अच्छा फील करता है। एंड फ्रंट पे आपको पूरा ही कर्व वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन यूज की हुई है इन्होंने। एंड गाइस डिस्प्ले की बात आएगी, यहाँ पे आपको 6.78 इंच की एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने मिल जाती है, 1 बिलियन कलर्स के साथ में आती है, 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे कर्व की बात करूँ ना, नॉर्मल कर्व नहीं है गाइस, यहाँ पे आपको पूरा ही फ्लैगशिप लेवल वाला कर्व देखने मिल जाता है। और इस फोन का सबसे तगड़ी चीज कैमरा है वो आगे बताऊंगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड यहाँ पे ना आपको पंच होल वाला नॉच देखने मिल जाता है छोटा सा, तो वो बहुत ही तगड़ा है, सेल्फी शूटर आपको देखने मिल जाता है। आगे बात करेंगे कैमरा वाले सेगमेंट में, मुझे पता है आप उसी का इंतजार कर रहे हो, अभी बात करते हैं। बाकी कलर्स वगैरह की बात करें, डिस्प्ले में आपको बहुत ही कमाल के कलर्स देखने मिलते हैं, हमने वीडियोस प्ले करी थी, आप वीडियोस वगैरह देखना पसंद करते हो या फिर मूवीज देखना पसंद करते हो, बहुत ही पंची कलर्स आते हैं, मजा आ जाएगा यार डिस्प्ले में। और इतनी स्मूथ चलती है डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ में, बिल्कुल ही मक्खन आपको परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, डिस्प्ले वाला एकदम फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाती है, मजा आ गया है डिस्प्ले देख के। एंड गाइस प्रोसेसर की बात करूं ना, यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्रोसेसर देखने मिल जाता है, ये जो प्रोसेसर है ना काफी क्लोज टू फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आपको दे देगा। गेमिंग वगैरह की बात करो, मस्त मक्खन, आप किसी भी मैक सेटिंग पे गेम को खेल पाओगे, कोई भी गेम मक्खन चला पाओगे अपने फोन के अंदर। बाकी इसके अंदर है ना एक वीवो V2 चिपसेट लगाई गई है जो कि कैमरा के लिए बेसिकली लगाई गई है, आगे बताऊंगा कैमरा के स्पेक्स, वो बिल्कुल भी मिस मत करना, तगड़ी चीज तो वही है। बाकी मैं बात करूँ परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी देखने मिलने वाली है, तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलने वाली है, मस्त तगड़ा प्रोसेसर है, डेली टास्क जो है ना वो तो आपके पता ही नहीं चलेंगे, बिल्कुल मक्खन तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस भी फोन का तगड़ा है, तो परफॉर्मेंस भी आपको तगड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। ये फोन जो है 12GB 256GB वाला वेरियंट है, और इसके अंदर आपको 8GB वर्चुअल रैम देखने मिल जाती है। बाकी ओएस की बात करूँ, फन टच ओएस पे फोन चलता हुआ दिखेगा, एंड्रॉइड 13 पे जो कि बेस्ड है, बाकी इसमें ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, प्री इंस्टॉल ऐप आते हैं तो वो आपको अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे लेते हुए अपने फोन को, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी परफॉर्मेंस जो है काफी एंट्री लेवल की तगड़ी देखने मिल जाती है। सेंसर्स वगैरह की बात करूँ, सारे ही सेंसर देखने मिल जाते हैं इसमें, आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिल जाता है जो कि इन डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है, सारे ही सेंसर हैं यहाँ पे मैं दे दूंगा, सब आप देख सकते हो। एंड गाइस बैटरी की बात कर ले, बैटरी आपको क्या देखने मिल जाती है, 4870mAh की आपको इसके अंदर बैटरी देखने मिल जाती है, क्लोज टू 5000 है, बट 5000 नहीं है, बट चार्जिंग की स्पीड जो है वो बहुत तगड़ी है, 120 वॉट की आपको इसके अंदर देखने मिल जाती है, वो भी बॉक्स में आपको चार्जर देखने मिल जाता है 120 वॉट का, तो मस्त आपका फोन चार्ज हो जाएगा 120 वॉट, यार सोच भी नहीं सकते कितना फास्ट आपका फोन चार्ज हो जाएगा, तो उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बैटरी जो है वो भी काफी तगड़ी चलने वाली है, क्योंकि फास्ट जितना चार्ज हो जाएगा तो बैटरी वगैरह की इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, मस्त तगड़ा परफॉर्मेंस देखने मिलेगी और बैटरी भी तगड़ी। एंड अब बात कर लेते हैं कैमरा की, जिसको आपको इंतजार था इतने ज्यादा टाइम से, तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको जो है ना ट्रिपल कैमरा
कैमरा का सेटअप पीछे देखने को मिलता है। वैसे तो ये चार कैमरास रखते हैं पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। देखो यहाँ पे आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है एंड ये जो कैमरा है ना विद OIS देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक देखने मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का एक अलग से पोर्ट्रेट कैमरा लगाया गया है। एंड मैं आपको बता दूं ये जो कैमरा है ना कोई नॉर्मल कैमरा नहीं, यहाँ पे आपको 1 इंच का सेंसर इसके अंदर देखने मिल जाता है, जायस की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप बिल्कुल कैमरा में देखो तो यहाँ पे आपको टी स्टार की एक कोटिंग देखने मिल जाती है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो टी स्टार की कोटिंग है ना ये इसलिए की जाती है जैसे धूप वगैरह में हम फोटो क्लिक करते हैं बहुत ही हार्श लाइट आ रही होती है तो वो उस लाइट को काफी कर देता है, नॉर्मल फोटो क्लिक करके देता है। एंड फोटो जो है लाइटिंग में भी सनलाइटिंग में भी बहुत ही तगड़े हमारे निकल के आते हैं। एंड अभी देखो मैंने यहाँ पे कैमरा ऐप को ओपन करा हुआ है, इसमें यार इतने ज्यादा मोड्स हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही सारे मोड्स हैं। सब कुछ एक एक करके बताता हूँ क्या क्या आपको इसके अंदर फीचर्स देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स मोड आपको देखने मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक नाइट मोड है जो लो लाइट फोटोग्राफी बहुत ही कमाल के क्लिक करके देता है। पोर्ट्रेट मोड आपको देखने मिल जाता है जिससे बिल्कुल DSLR की तरह फोटो आते हैं। सैंपल्स वगैरह भी वेट करो, सब कुछ आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सारे फोटोज क्लिक करके रखे हुए हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल फोटो मोड देखने मिल जाता है जिसमें 0.6 अल्ट्रा वाइड देखने मिल जाता है जो कि बहुत ही तगड़ा काम करता है। 1x 2x भी आपको देखने मिल जाता है। वीडियो मोड में बहुत ही तगड़ी चीज है, देखो यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है ना उसके अंदर देखने मिल जाता है यहाँ पे आपको 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यार, और 8K जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 24fps पे आपको देखने मिल जाती है। 4K की हम बात करें यहाँ पे जो 4K है ना 60fps तक आप रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी बात करें यहाँ पे एक प्रो मोड देखने मिल जाता है जिसमें आप कैमरा की तरह प्रॉपर फोटो खींच पाओगे ISO वगैरह सेट करके। एंड एक मोर का ऑप्शन देखने मिल जाता है जिसमें ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं, बहुत ही आप थक जाओगे इनको एक्सप्लोर करते करते। हमने सारे कुछ टेस्ट किए हैं, अब सब कुछ जो टेस्ट हमने फीचर्स किए हैं जितने मोड हैं सब कुछ फोटो वगैरह क्लिक किए हैं वो आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे, एंड उसको देखो और मजे लो। सारी चीजें बताई दी हैं तो कनेक्टिविटी की लास्ट में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने मिल जाता है, 12 4G वोल्टेज देखने मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग है, और उसी के साथ में ना यहाँ पे आपको सारे 5G बैंड देखने मिल जाते हैं जो कि इस टाइम इंडिया में है, या आउट ऑफ इंडिया भी आप जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको 5G वगैरह की, मस्त आपको 5G इस फोन में चलता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल काफी तगड़ा फ्लैगशिप ये फोन है। एंड सब कुछ इस फोन के बारे में हमने आपको बताई दिया, कैसा ये फोन है, क्या स्पेक्स है, क्या कैमरा है, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलिए होगा। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बता दो। बाकी ये जो फोन है ना ये प्रोवाइड कराया था हमें UC एनसंस मोबाइल स्टोर ने, स्क्रीन पे आपको एड्रेस फोन नंबर मिल जाएगा, जाके आप विजिट कर सकते हो। कोई भी फोन आपको लेना है मस्त आप प्राइस पे खरीद सकते हो, बहुत ही बेस्ट प्राइस पे फोन देते हैं। फाइनेंस सर्विस भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपको फोन मिल जाएगा। कोई भी फोन परचेज करना है नंबर दिया गया है कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर एड्रेस है विजिट कर सकते हो, मस्त आपको सर्विस देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कर देना, बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो को ऐसे क्रिएट करने में, तो लाइक कमेंट करके बता देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, तब तक सब्सक्राइब करके रखो।